हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जीबी व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग्स जो आपको जानना चाहिए और आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो चलिए दोस्तों, कि बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जीबी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में थ्री डॉट का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना है और आपको जीबी सेटिंग्स का ऑप्शन में चले जाना है। दोस्तों, उसके बाद जो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, उसमें चले जाना है। एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और इसके बाद हमारी सेटिंग्स स्टार्ट होती है। दोस्तों, जो चैट में एक सेटिंग्स है वो है एंटी डिलीट मैसेज। दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सएप में होता है कि अगर कोई पर्सन आपको मैसेज करता है और मैसेज को डिलीट कर देता है तो उस मैसेज को आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप जीबी व्हाट्सएप में सेटिंग्स को ऑन कर देंगे, उसके बाद अगर कोई पर्सन मैसेज करके आपको डिलीट भी कर देता है तो आप में से डिलीट नहीं होगा। जी दोस्तों, ये एक कमाल की फीचर है जो कि जीबी व्हाट्सएप में दी हुई है और आपको इसका यूज करना चाहिए। दोस्तों, जो चैट में एक और सेटिंग आती है वो है शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई। दोस्तों, इसको ऑन करने से होगा क्या, जैसे कि अगर कोई भी आप किसी पर्सन को मैसेज करते हैं या वो पर्सन आपको मैसेज करता है तो आप उस मैसेज को देख लेते हैं तो ब्लू टिक दिखा देता है, यानी आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया। बट अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो उस पर्सन में ब्लू टिक तब तक शो नहीं करेगा तब तक आप उस मैसेज को रिप्लाई नहीं करते। अगर आप उस मैसेज को देख भी लेंगे तो ब्लू टिक शो नहीं करेगा तब तक जब तक आप उस मैसेज को रिप्लाई नहीं कर देते। दोस्तों, इसको आपको ऑन कर लेना है आपके मुताबिक। दोस्तों, फिर स्टेटस में जो आती है वो आता है हाइड व्यू स्टेटस। दोस्तों, इसे अगर आप ऑन कर देंगे तो आप किसी के स्टेटस को देख भी लेंगे तो पर्सन में शो नहीं करेगा या वो पर्सन नहीं जान पाएगा कि आपने उसके स्टेटस को देखा है या नहीं। दोस्तों, उसके बाद आता है एंटी डिलीट स्टेटस। दोस्तों, इसको ऑन कर देने के बाद होता यह है कि अगर कोई पर्सन कोई स्टेटस लगा कर डिलीट कर देता है तो आप उसको नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों, जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा तो अगर कोई पर्सन किसी स्टेटस को डिलीट भी कर देता है तो आप में शो करेगा 24 घंटे तक वो आप में शो करेगा अगर वो कोई पर्सन स्टेटस को डिलीट कर देता है तब भी। तो दोस्तों, इसको आपको ऑन कर लेना है। दोस्तों, जो सिक्योरिटी में आता है व्हाट्सअप लॉक। दोस्तों, इससे आप लोगों को मालूम होगा इसे आप व्हाट्सअप को लॉक कर सकते हैं, यानी पैटर्न या पिन दो ऑप्शन दिए हैं, कोई भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, इसका यूज़ करने के लिए हमें व्हाट्सअप लॉक को इनेबल करना है। देन आपको जो लगाना है पैटर्न या पिन, तो दोस्तों जाके हमें पैटर्न लगाना है तो हम पैटर्न पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद चेंज पैटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको अब जो पैटर्न लगाना है वो आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पैटर्न सेट हो गया। दोस्तों, अब हम जब अपने जीबी व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो हमें जो पैटर्न लगाया था वो पैटर्न हमें पूछेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग्स है ये जीबी व्हाट्सएप में दी हुई है, आपका आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, और इसके बाद एक आती है कि आप किसी के कन्वर्सेशन को भी लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी के कन्वर्सेशन को लॉक कर सकते हैं। जैसा कि ये एक पर्सन है, इनके कन्वर्सेशन को हमें लॉक करना है तो हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लॉक कन्वर्सेशन का, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमें पैटर्न लगाना है और जो पैटर्न लगाना है आप उसे कर दीजिए। दोस्तों, अब जब आप उस पर्सन के चैट को ओपन करेंगे तो वही पैटर्न मानेगा जो आपने कन्वर्सेशन को लॉक करते समय लगाया था। तो हमने ये कर दिया, देखिए दोस्तों ओपन हो गया। दोस्तों, एक में कमाल की फीचर दिया है, आप किसी के चैट को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ, हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके जिस चैट को हाइड करना है उस पर क्लिक करके रखना होगा। उस पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हाइड चैट का, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर हमें जो पैटर्न लगाना होगा, जैसे हमें ये पैटर्न लगाना है, देखिए दोस्तों उस पर्सन का जो हम चैट है वो हमारे सामने से हाइड हो गया। दोस्तों, अगर वो मैसेज भी करता है तो आपको शो नहीं करेगा। दोस्तों, एक ऐसी कमाल की फीचर है कि कोई बंदा देख ही नहीं सकता कि वो हाइड जो चैट हुआ कहाँ है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको आप हाइड हुए चैट को कैसे दिख सकते हैं। दोस्तों, इसके व्हाट्सएप वाले आइकन पर टैप करना है और आपने जो पैटर्न लगाया था उसे डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो चैट हाइड किया है वो ओपन हो गया। दोस्तों,
यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त। थैंक यू।